गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे तो मॉर्निंग हो रही है, इसलिए मैं मॉर्निंग कह रही हूँ। कुछ लोग रात के टाइम पे मेरी वीडियो देख रहे होंगे, कुछ लोग दिन के टाइम पे। यहाँ पे मैं आई हुई हूँ लोस विद मुस्तफ़ा, और एक्चुअली मौसम अच्छा हो रहा है तो मैं ज़रा गार्डनिंग की चीज़ें वगैरह देख रही हूँ। डिफरेंट स्टोर्स पर जाके फिर अपना माइंड बनाऊँगी कि कहाँ से मैंने क्या ख़रीदना है। फ़िलहाल तो अभी पौधे वगैरह इन्होंने निकाले भी नहीं हैं, बट यू नो देखने में क्या जाता है। सो आई एम हियर टुडे। फिर यहाँ से मैंने जाना है दूसरे स्टोर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे मेरे कुछ काम है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। सो यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली जो कि मैं भी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वो गार्डनिंग के व्लॉग में मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह आप लोगों को। और अभी बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप देख सकते हैं कि कुछ है भी नहीं, अभी पौधे निकल ही रहे हैं और अभी बाहर मौसम ठंडा, तो इसलिए इतना सब कुछ उन्होंने बाहर रखा भी नहीं हुआ। खैर, गार्डनिंग का व्लॉग मेरा ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ आई हैव सो मैनी प्लान्स फॉर दिस ईयर इंशाल्लाह, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब चलते हैं जी गैस स्टेशन। तो जी मैं यहाँ पर गैस स्टेशन आई हुई थी, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड और खान इकट्ठे थे आज, इनका कोई काम था, तो मेरे हस्बैंड दूसरे वाले स्टोर से फिर इधर आ गए, तो मुझे कह रहे थे कि तुम जाओ। मैं भी इधर ही थी, किसी काम से मैं आई हुई थी, तो मुझे कहा कि तुम जाओ पिज़्ज़े पे, वकार से कहो कि अच्छा सा लार्ज पिज़्ज़ा बनवाए और लेकर आओ, हमें भूख लगी हुई है। मैंने कहा चलो सही है, जाते हैं। तो क्योंकि आई थिंक 2-3 मिनट्स की ड्राइव है इस स्टोर से दूसरे, मतलब इधर पिज़्ज़ा प्लेस की, बहुत नज़दीक है ये दोनों आपस में। वो जो रेड बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ना, ये ज़ूम करते हैं, ये है जी पिज़्ज़ा प्लेस। ये है जी मेरी एक्स, जो कि कुछ दिनों में मेरी प्रेजेंट हो जाएगी। ये आजकल वकार चला रहा है, मैं वकार की गाड़ी चला रही हूँ। हेलो, व्हाई यू आर सिटिंग हियर? आई एम जस्ट एंजॉयिंग द सन, इट फील्स सो गुड। या डिड यू वॉच योर लास्ट वीडियो? I just saw the video right now. Yeah, I'm about to like it right now too. I just saw that you uploaded it or something. Yeah, I uploaded like 2 days ago, I guess. Oh, okay. Yeah. I just saw you uploaded another one. Yeah, the Bilal was cooking fish for the first time, man. It was really fun. How exciting. Yeah. तो आज वकार से हम लोग लार्ज पिज्जा बनवा रहे हैं, बेचारा जो है ना ऑर्डर आया है वहां से ऊपर से ये तो है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इसका मूड अच्छा हो तो ये कुकिंग करता है हमारे लिए, नहीं तो ये नहीं करता, साफ कह देता मैं नहीं बना रहा। लेकिन ये YouTube पे ये जो मेरे व्यूवर्स है ना, ये उनकी वजह से, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो ये खुश होता है, ये फिर हमारे लिए चीज़ें बनाता है क्या यही बात है? ये भी बात नहीं है। अच्छा, खान कह रहा था ये चली गई जी पिज्जा सॉस। चिकन बना के रखा हुआ था, दिखाओ, पहले से तैयार था। हाँ, क्योंकि पहले मैंने उसको बता तो दिया था कि हम मार रहे हैं हॉट सॉस में। ये चिकन पहले से इसने ग्रिल कर दी थी, उधर जो पीछे ग्रिल है ना उस पे, और अब तैयार है, नहीं तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती। अब इस पे डालना है जी प्याज, और प्याज सब पे डालो, प्याज तुम सब पे डालो। और बिलाल ही खाते हैं ऑलवेज, वो कह रहा था कि मेरे लिए क्रश पेपर डालना, तो एक साइड पे तुम क्रश पेपर डाल दो बस, बहुत है, बहुत है, बहुत ज्यादा है हमारी साइड पर। खान नहीं खाता वो, ये दो बंदों के पिज्जे बन रहे हैं, इसीलिए एक की शक्ल अलग होगी और एक की शक्ल अलग।
बाल तो निखरे निखरे हुए लग रहे हैं तुम्हारे आज। बस कान के पे ये दो चीजें डाल, वो डालो क्रश पेपर डालो ना, मशरूम नहीं डालो, मशरूम्स डाल दो, थोड़ा और कट कर देना। ये सब भी डाल दो यार, ये भी वो नहीं खाता, चलो बस फिर ज्यादा ना डालते तो हम तंग ना होते। हाँ ये खान की साइड और वो हमारी साइड है मेरे बिलाल की, क्योंकि खान ऐसा ही है। थोड़ा सा डाल दो, ज्यादा ना डालना, बस इतना बहुत है। हमारे हस्बैंड के भी बड़े नखरे हैं, इतने नहीं हैं जितने खान के हैं। नाराज हो गया, क्यों लेटा रहे यहाँ पे। मैं इसको कह रही हूँ कि अच्छा सा पोज दो, जो कि हम थंबनेल लगाएं, तो अच्छा सा पोज दो। चलो मेरे को बॉडी बिल्डिंग नहीं, नहीं बिलाल का पेट जरा कम हो रहा है। हाँ ये इसका तो अच्छा है, ये अपनी बॉडी का बड़ा ख्याल रखता है, हद से ज्यादा इसको होता है कि मेरा पेट ना मोटा हो, मैं मोटा ना हूँ। ये बहुत ज्यादा अपना सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा है, खुद से मोहब्बत करने वाला है ना। कितनी मोहब्बत है तुम्हें खुद से, कितनी मोहब्बत है जोजा से, अब देखते हैं। कितनी मतलब 1000 पे से तुम रेट करो, तुम खुद से ज्यादा मोहब्बत करते हो यार। तो बताओ ना, अबू बैठे हैं, शर्म आती है। ओ अबू नहीं सुन रहे, अबू मुस्तफा साहब बिजी है। ये क्या बना रहे हैं आप मुस्तफा के लिए? ये मुस्तफा के लिए आज स्पेशल चीज बना रहे। अच्छा हाँ ना, मैं जब भी आती हूँ ये मुस्तफा के लिए बनाते हैं स्पेशल कुछ ना कुछ मजे का। कहते मेरा पोता जो खाता है ना मैं उसके लिए बनाऊँ, तो उसको तो पिज्जा डो पसंद है। तो लास्ट टाइम आपने बनाया था क्या कहते हैं फ्राइड डो? हाँ फ्राइड डो। तो ये भी एक किस्म की ऐसी ही है फ्राइड डो काइंड ऑफ, ये ओवन में जाएगी, ये फ्राई पैन में जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके ऊपर आप प्रेस कर रहे हैं ना ताकि वो अच्छे से दोनों साइड से हो जाए। आज फ्राइडे था, वैसे मुझे लग रहा था ये लोग काफी बिजी होंगे, लेकिन मैं आई हूँ तो ये लोग बिजी नहीं है, ये वजह क्या है? आ गया। इधर वाकई कोई पता नहीं चलता है ना बकर। कभी कभी मैं जब आती हूँ यार रश, मतलब इतने ये लोग बिजी होते तो ये मुझे भी कहते थे बस प्लीज अब तुम चली जाओ, हम बिजी हो गए हैं। फ्राई हो गया जी, ये है भी उसी तरह का ही, लेकिन बस आपने शायद काट दिया शायद, है ना। अब इसके ऊपर दोबारा से थोड़ी सी शुगर डालें, इतने बड़े चमचे से इन्होंने निकाला। मुस्तफा अस्तगफिरुल्लाह, आई नो ये वीडियो लाद है जी। पिज्जा तैयार हो गया और अब हम इसको लेके जाने वाले हैं गैस स्टेशन पे, बाकी बातें हम वहाँ पे करेंगे। ठीक है ठीक है वकार, तुमसे मिलते हैं रात को इंशाल्लाह। क्या लगा रहे हो तुम इर्द गिर्द? ये वो बटर होता है ना, गार्लिक बटर। गार्लिक बटर सो मैं यहाँ से निकल रही हूँ, माय हस्बैंड इज सो हंग्री और इसीलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा यहाँ पर। और दूसरी वजह ये थी कि अभी लोग भी बिजी होने वाले थे, क्योंकि इस टाइम के बाद 4:30 के बाद ना ऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं।
सो हम यहाँ पर पहुँच गए, गाड़ी कहाँ खड़ी करें, आई थिंक वहाँ खड़ी करते हैं फ्रंट पे ही। और मज़े की बात, यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं और मैं भी आई हुई हूँ, और हम दोनों अलग अलग आए हुए हैं, सो अब हम घर भी अलग अलग ही जाएंगे, वरना हम एक ही गाड़ी में बैठते और गप्पे शप्पे लगाते, वो भी मैं व्लॉग बनाती, बट अब ये काम नहीं हो सकता। हाँ नहीं, मुस्तफ़ा के लिए ये ठंडा है थोड़ा सा, वो गर्म ले लो, वो थोड़े बड़े वाले गर्म है, ये लो। मैं आज इसके पास आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, मजा आ रहा? मजा आ रहा, बहुत अच्छे से आ रहा है। बाकी गल्ला फोन फोन पे हम दोनों बातें करेंगे। हाँ ना, अभी इट्स नो डिस्टर्ब। आई नो, चलिए जी, मैं भी खाने लगी हूँ। ड्यू ना किया तो फिर क्या चाहिए? बहुत बड़ा एक्टर है, सब यही कह रहे हैं आपको एक्टर होना चाहिए था। मैंने कहा ना, आई वाज बोर्न लेजेंड, आई वाज बोर्न स्टैनर। यू वर बोर्न व्हाट? स्टैनर। स्टैनर क्या? इसकी उर्दू भी नहीं आती, पंजाबी भी नहीं आती, मैं क्या है क्या? लेजेंड, मोर देन लेजेंड। ये देखें जी, इसके इसने अपने मुंह पे इंक लगा दी है। इधर आओ जरा, दूसरी वाली साइड दिखाओ जरा, पकड़ो इसको। ताली मारो मुस्तफा, ताली मारो। मैंने सोचा ताली मारो, ये कौन सी जुबान है, ये वाली जुबान नहीं कर। चले जी, हम अभी घर पहुंचे हैं और मैं आपसे कहती हूँ अल्लाह हाफिज़, ज़रा मेल देख लूँ और फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।